रहीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी आलू मटर की बिरयानी तैयार हुई है, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से बनानी बताई है आपको। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आएगी। आप लोगों ने इसको लाजमी बनाना है। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से अपनी ये मेरी रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आप लोग चिकन मटन बीफ की बिरयानी खा खा के थक जाता है इंसान, तो मैं आज आपको आलू मटर की बिरयानी जो है ना सिखाने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी और बहुत आसान तरीके से बनाने बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये प्याज ब्राउन करने का तरीका बताया हुआ है, आपने अगर नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो हैदराबादी बिरयानी में जाके देख सकते हैं। तो ये मैंने ब्राउन कर ली थी, अब उसी जो है मैं ऑयल में, और मैंने आज फिर दोबारा की थी तो मैं ये वही ऑयल है जिसमें मैंने जो है ना ये प्याज ब्राउन की हुई थी। तो और ये देखे मैंने वही ऑयल ले ली है, और अब इसमें देखे मैंने हाफ टेबल स्पून जो है ना लहसुन और हाफ ही टी स्पून जो है ना मैंने ये अदरक ली है। अब इसको हम थोड़ा सा लाइट गोल्डन कर लें। ये देखे एक मिनट के लिए मैंने इसको जो है ना ये रोस्ट कर लिया, और ये मैंने दो जो है ना मीडियम साइज के प्याज दिए थे जिनको मैंने इसी रख ली जो है ना इनकी कटिंग कर ली है। अब इसको अभी तक ये देखे नजर आ रहा है ना, तो हम अब उस वक्त तक इसे फ्राई करेंगे जब तक ये जो है ना इसमें सही तरीके से हल नहीं हो जाता। और ये देखें मैं इसी टाइम पर इसमें ये मसाले शामिल कर दूंगी, ये गरम मसाला। इसके लिए मैंने एक बादियान का फूल लिया, 3 अदद हरी इलायची ली है, 6 अदद लौंग और दालचीनी की स्टिक, 2 काली इलायचियाँ और 10 से 15 अदद जो है ना ये मैंने काली मिर्ची ली है, और ये 2 तेज़पत्ता है और 1 टेबल स्पून जीरा। और ये देखिए इधर मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था चावल को उबालने के लिए, और मैंने ये 2 गिलास चावल लिए थे, और इस टाइम पर मैं इसको शामिल कर दूंगी। नमक इसमें मैं 1 टेबल स्पून शामिल करूंगी, और ये देखिए मैं 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल कर दिया है, और ये 1 टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाला लिया है, और 1/2 टीस्पून मैं नमक शामिल करूँगी, मैं चेक कर लूँगी, और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और मैंने 3 अदद जो है ना आलू लिए थे जिनको मैंने जिनके बड़े बड़े पीसेस कर लिए, और इस टाइम पर हम इसको शामिल कर देंगे। ये देखिए इधर मैंने हमारे चावल हो रहे हैं, मैंने आपको चावल उबालने बताए हैं, आप लोगों को भी पता है आप कैसे उबालते हैं। मैं इसको जो है ना 80% जो है ना मैं इसको गला लूँगी चावलों को, और इधर ये हमारे जो है ना ये मसाला भी बन रहे हैं बिरयानी के लिए, और इस टाइम पर मैं तकरीबन 1/2 कप के बराबर जो है ना इसमें मैं ब्राउन प्याज शामिल कर दूँगी। ये देखें हमारे चावल 80% हो गए, देखें आपको भी इसमें कनी नज़र आ रही होगी, तो मैं अब इसको जो है ना पानी इसका निकाल दूँ चावलों से। ये देखिए अभी आपको लगे हमने चावल ये तो अपने आलू को तकरीबन जो है ना 70% देखें, ये देखें हमारे 70% हो गए हैं, तो मैं अब इसमें मटर पहले पानी शामिल करूँगी थोड़ा सा, तो इसकी 2 मिनट के लिए इसकी फ्राइंग करके फिर इसमें मैं मटर शामिल कर दूँगी। देखिए अब हमारे जो है ना 70% हो गए हैं, तो मैं अब इसको आपको चेक करना भी दिखाती हूँ। देखें ये देखिए कितनी जल्दी चली गई है, इसका मतलब है कि हमारे तकरीबन 70%। तो अब इस टाइम पर मैं शामिल कर दूंगी अपने मटर, इसको भी तकरीबन मैं जो है ना 5 मिनट के लिए इसके साथ फ्राई करूंगी, तो जो है ना ये हमारा मसाला ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा, और आलू में जो कसर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें मैं इसके तकरीबन 1 मिनट हो गया है, तो मैं अब इसमें थोड़ा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल करूँगी, और ऊपर से इसको कवर कर दूँगी। अब हमारे जो है ना ये मटर भी हो गया, आलू भी हो गया, मैं अब इस टाइम पर जो है ना 1 कप दही शामिल कर दिया मैंने। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब हम जो है ना बिरयानी की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमारे चावल
जो है ना, मैंने जो आपके सामने आपको बताया जिस तरह मैंने उबाइल किया इसको, आधा कप जो आधा कप से जो थोड़ा सा कम जो है ना मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल करूंगी। अब पहले मैं इसके नीचे वाले हिस्से में लगाऊंगी चावल, और फिर ऊपर हम जो है ना वो अपना जो तैयार किया हुआ मसाला है वो मसाला कौरमा साहब जो भी कहें आप उसको शामिल कर सकते हैं। और ये सारा मसाला मैं इस टाइम पर इसके इधर शामिल कर दूंगी। अब इसके ऊपर फिर ये जो चावल हमारे रह गए हैं वो भी मैं शामिल कर दूंगी। और ये देखिए मैंने वो भी शामिल चावल भी शामिल कर दिए हैं। और ये थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना है और हरी मिर्चें हैं ये, और थोड़ी सी ये ब्राउन प्याज इस टाइम पर इधर शामिल कर देंगे, और ये थोड़ा सा जर्दा कलर। अब इसका हम दम लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, और पहले मैं इसको हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए रखूंगी, और उसके बाद मैं तकरीबन इसको जो है ना लो फ्लेम पर कर दूंगी, दम वाले फ्लेम पर कर दूंगी। देखें हमारे 20 मिनट हो गए माशाल्लाह, और हमारे चावल भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही थी माशाल्लाह, देखें देखें कितने ज़बरदस्त जो है ना चावल हमारे हो गए हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। देखें अब ये देखें मैं आपको, ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चावल रेडी हो गए। मैं अब इसको डिश आउट कर लूँ। देखिए हमारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आलू मटर की बिरयानी तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही मज़े की है। देखिए हमारे चावल भी कितने खिले खिले बने हैं, तो बहुत अच्छे तरीके और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनानी बताई है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं इससे भी अच्छी और इससे भी बेहतर से बेहतर रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊँगी। मैंने जो है ना ये टमाटर की चटनी जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी, तो आपने नहीं अगर ये देखी तो आपने मंदी जो मंदी वाली चावल है उसमें जाके आपने देखना है, तो उधर ये वाली रेसिपी मैंने बताई हुई है। तो चलें अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।